अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम जिया कमाल है। मैं एक वेबसाइट डिजाइनर मैनेजर मार्केटर हूँ। वेलकम करता हूँ आपको नई वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर 60,000 व्यूज ऑन माय यूट्यूब चैनल और आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से थोड़ी सुस्ती हो रही है लेकिन इंशाल्लाह उसको हम कवर करते हैं। आज का बड़ा अमेजिंग एंड हॉट टॉपिक है अबाउट द एआई कंटेंट राइटिंग। मैं वेबसाइट डिजाइनिंग भी करता हूँ और इसकी सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो साथ मैंने ब्लॉगिंग वाली साइट्स भी स्टार्ट की थी। आप में से कई लोगों को आइडिया होगा टिप्स हॉट इज वन ऑफ माय वेबसाइट जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा भी कई वेबसाइट्स है। एक बड़ा मजेदार एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि आप थ्रू AI कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मैंने कई लोगों से डिस्कशन किया। आपने अगर लास्ट वाला लाइव देखा है विद सर हिशाम सर्वर और बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि AI का कंटेंट क्या चीज होती है और इसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा कई रिसर्च है, कई ऑब्जर्वेशन है, कई चीजें कंबाइन करके आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि आप AI का कंटेंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कई प्रॉम्प्ट आपको इंटरनेट में मिलते हैं उन सबको कंबाइन करके एक प्रॉम्प्ट बनाया गया है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और उसे मैं यूज कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरी साइट पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं और आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि AI से कंटेंट लिखना है और उसके बाद उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइज करके वेबसाइट पे पोस्ट करना है। तो ये कंप्लीट एक गाइड होगी जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा। जो नई अपडेट्स आती हैं, जो नई छोटी मोटी चीजें हैं, वो मैं अपने स्पेशली व्हाट्सएप चैनल पे या फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। आपके सामने एक सर्च कंसोल ओपन है जिसे लास्ट 12 मंथ वाला मैंने इसको फिल्टर लगाया हुआ है और इसको आप यहाँ पे इस पे ग्राफ हाइट देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको 3 मंथ पे लेके जाते हैं, तो 3 मंथ पे भी आप इसकी ग्राफ की आप देख सकते हैं। और इसे मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफा, तो ये आपके सामने एक सर्च कंसोल है। इस तरह की बहुत सी वेबसाइट है जो आपके सामने मैं केस स्टडी भी रख सकता हूँ जो AI के कंटेंट लिखने के बाद मैंने इन चीजों को नोटिस किया। याद रहे जितना मर्जी कंटेंट अच्छा बना लें, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कंटेंट के अलावा भी। लाइक द मेन थिंग इज योर कीवर्ड। अगर आपका कीवर्ड अच्छा है और आपने कीवर्ड पे एक पोटेंशियल ढूंढ के सर्प एनालिसिस करके एक चीज लिखी है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दे देगी, चाहे आप AI से लिखें चाहे ह्यूमन से लिखें। और अगर आपका कीवर्ड अच्छा नहीं है तो चाहे आप ह्यूमन से लिखें चाहे आप जिस चीज से मर्जी लिखें, वो आपका सही परफॉर्म नहीं करेगा। तो कीवर्ड सच बहुत मैटर करती है। अगर आपकी कीवर्ड अच्छी है तो आप इसको AI को यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने वो लाइव भी देखा तो उसमें एक बात हो रही थी जो गूगल के अपडेट में बाय द ह्यूमन एंड फॉर द ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट। पहले ये होता था कि अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज के बाय द ह्यूमन और फॉर द ह्यूमन दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन अब बाय द ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर द ह्यूमन वाला है। मीन्स आपका कॉन्टेंट जो है वो बेसिक बाय द ह्यूमन नहीं है, लेकिन आपका कॉन्टेंट फॉर द ह्यूमन होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि AI से आप लिख सकते हैं लेकिन विद द ह्यूमन टच। आप उसको प्रूफ रीड करें, आप उसे चेंज करें जो आज हम इस वीडियो में करेंगे, और उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये नहीं कि आपने सिंपल ChatGPT से AI PRM को यूज करके सिंपल आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें वैल्यू नहीं है या उसमें कोई ऐसा ह्यूमन टच नहीं है जो लोगों को एंगेज कर रहा है। याद रहे गूगल तो हमेशा यही बोलेगा कि बाय द ह्यूमन एंड फॉर द ह्यूमन, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द गूगल बोट्स टू। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपने उसके लिए क्या चीज उसमें आर्टिकल में छोड़ी हुई है जो उसे एक पॉजिटिव सिग्नल दे टू रैंक द आर्टिकल। और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो आज हम ऑन पेज में यानी कि बैकएंड पे जाके जरूर चेक करेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं तो ये आपके सामने अगेन वही ग्राफ है। इसे मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपके सामने एक आर्टिकल फार्मूला ओपन करता हूँ जो ये हमने बनाया हुआ है, तो इसको हम आज यूज करेंगे। एंड एक कीवर्ड भी यहाँ पे मैं निकाल लूंगा कोई अपनी साइट के लिए, किसी भी साइट के लिए आपके सामने एक आर्टिकल लिखते हैं। और अब एक और बहस यहाँ पे आ जाती है कि विच वन इज बेटर, बिंग है, बार्ड है जो गूगल की तरफ से, और एक ChatGPT है। लाइक तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज हो रहे हैं बिकॉज किसी एक में सारी स्पेशलिटीज अवेलेबल नहीं है। जो ChatGPT है मुझे लगता है कि वो आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो आपको रैंडम और जनरल कंटेंट बड़ा अच्छा क्रिएट करके दे सकता है। लेकिन ChatGPT में मसला ये आता है कि जो आप कमांड से कई हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं कि उसमें AI का काफी टच आ जाता है, उसमें ह्यूमन एंगेजमेंट रेट बहुत कम होता है। लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन इन रियल लाइफ, उसमें और AI के बोर्ड से बात करने में बहुत फर्क होती है। लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन इन योर रियल लाइफ और आप किसी रोबोट से रियल लाइफ में बात करें तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाता है। सेकंड अमेजिंग थी जो माइक्रोसॉफ्ट की बिंग है, वो मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, उसे कुछ इमेजेस लोग बनाते हैं, उसे कंटेंट भी बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, इन तीनों में से जो मैं पसंद करता हूँ वो गूगल का बार्ड है और उसमें कोई चीजें मजेदार है। लाइक वो आपको ह्यूमन टच काफी हद तक प्रोवाइड करता है। अगर आप उसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं तो आपको उसके आउटपुट में और GPT के आउटपुट में काफी फर्क नजर आता है। और आपके सामने हम गूगल बार्ड को यूज करेंगे। पर्सनली मैं गूगल बार्ड को यूज करता हूँ, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स माय ओपिनियन। आप कोई और यूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट आपको मैं ये दे दूंगा। और मैं जो अपने आर्टिकल्स लिख रहा हूँ जिसकी आपने सर्च कंसोल का ग्राफ देखा है,
वो मैं बार्ड के थ्रू कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे बैक चलते हैं और गूगल बार्ड को यूज करते हैं। तो मैंने अपने लिए कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया जो मैं इसके थ्रू लिखवाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले बार्ड में जाऊंगा। तो ये आपके सामने बार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने इसके प्रॉम्प्ट लिखना होता है और प्रॉम्प्ट मेरे पास यहाँ पे इस फाइल में रेडी पड़ा हुआ है। इस फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको ये फेसबुक ग्रुप से भी मिल जाएगी। मैं काफी जगह पे इसको पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए टू फाइंड इट। अगर आप व्हाट्सएप चैनल देख रहे हैं ये QR है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे। और ये प्रॉम्प्ट मैंने डिफरेंट जगह से इकट्ठे करके एक सेपरेट बनाया और इंशाल्लाह ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब आपके सामने इसमें हमें कीवर्ड ऐड करते हैं जो है हाउ टू कैंसल फाइवर ऑर्डर। तो ये आपके सामने एक प्रॉम्प्ट मैंने ये दे दिया। और इसके बाद आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हेयर आर सम हेडिंग्स यू हैव टू राइट। अगर आप इसे स्टडी करेंगे तो इसमें सारी वो चीजें हैं जो लोग ऑन पेज SEO में बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने इसको एज अ कमांड दे दी है, कई जगह से इनको इकट्ठा किया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कुछ अपनी नॉलेज लगा के मैंने इसको इकट्ठा किया। अभी यहाँ पे हेयर आर सम हेडिंग्स, हेडिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगी वो आपने जाना है ChatGPT में। ठीक है, आपके सामने मैंने ChatGPT को ओपन किया। जस्ट अ मिनट, तो मैं इसे कहता हूँ गिव मी द आर्ट स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया तो ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे देगा, लेकिन इसमें मसला क्या रहा है कि उसने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट एक एक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मैं इसे एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, जस्ट गिव मी हेडिंग्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपके सामने उसने सिर्फ आपको एक हेडिंग्स का वो बना कर दे दिया। तो हम इसे यहाँ से इंट्रोडक्शन वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं। अगेन हम अपने फार्मूला में जाते हैं तो यहाँ पे एंड पे इसको ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ठीक हो गया, सॉरी अजान का वक्फा आया था। तो आपके सामने प्रॉम्प्ट अभी ओपन है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो प्रॉम्प्ट आपके सामने, हमने इसमें ChatGPT से हेडिंग्स लेके लगाई। हम इसे कंट्रोल आल करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं। इसके बाद हम बार्ड में जाके इसको एज इट इज कर देते हैं, पेस्ट, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया और इसको हम दे देते हैं कमांड। सो लेट सी क्या होता है। आपके सामने एक आर्टिकल लिखा हुआ आ गया कि हाउ टू कैंसिल अ फाइवर ऑर्डर अ सिंपल गाइड फॉर बायर। अब इसमें एक चीज़ यह है कि आपको अनलीश, अनवेल और ये सारे लफ्ज इस वजह से नहीं मिलेंगे बिकॉज हमने प्रॉम्प्ट में इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो यू हैव टू रिप्लेस इट, और आपको पूरे आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। एंड उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं जो AI और बड़ा अनप्रोफेशनल सा साउंड करती हैं, तो यू हैव टू चेंज इट। और दूसरी बात ये कि आपने जो कीवर्ड अपना है, लाइक इसमें मेरा जो कीवर्ड है वो कैंसिल फाइवर ऑर्डर है, तो आपने इसको प्रॉपर उसमें स्टफ करना है एक प्रॉपर स्टोरी के साथ और प्रॉपर उसको यूज करना है। अगर AI ने उसे सही यूज नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपके लिए सारे काम करेगा, बट यू हैव टू री रीड, यू हैव टू प्रूफ रीड, उसके बाद ये थोड़ा सा बेहतर काम करता है। तो आपके सामने मैं इसे रीड करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या चीजें रहती हैं। जी, तो आपके सामने ये आर्टिकल मैंने रीड किया, ये काफी हद तक बेहतर है, बट इसकी ऑन पेज और ऑफ पेज होने वाली है। तो ये चूंकि गाइड थी तो इसमें आपके आर्टिकल की फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होती जो आप हर जगह भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये मेरी वेबसाइट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे इन्फॉर्मेशन पे काम कर रही है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा प्योर इन्फॉर्मेशनल टाइप भी आर्टिकल लिखना चाहिए और वो आपके जो पूरी साइट का फॉर्मेट है उसको भी अंडरस्टैंड करेगा। और ये एक गाइड है तो इसने स्टेप बाय उसको डिफाइन कर दिया। तो हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं और इसी प्रॉम्प्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि किसी प्योर इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के लिए ये किस तरह परफॉर्म करेगा। तो लेट मी फाइंड अ कीवर्ड, फिर मिलता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने एक कीवर्ड निकाला है और मैं इसे अगेन अपने आर्टिकल फार्मूला में जाके रिप्लेस करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग एज वेब डेवलपर। एक जनरल कीवर्ड है जो एक प्रॉपर गाइड होगी, इन्फॉर्मेशनल होगी, जो आपकी साइट को, आपका कीवर्ड कुछ और होगा, लाइक यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग, इन्फॉर्मेशनल हो सकता है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज हीट, आई डोंट नो। बट मैं इस केस में एक जनरल, एक बगैर रिसर्च के एक कीवर्ड उठा के लेके आया हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद इसी को हमने सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इसका एक स्ट्रक्चर निकालना है ताकि वो प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करे। हम इसको ऐसे करते हैं कि इसी ChatGPT के प्रॉम्प्ट को दोबारा यूज़ करते हैं और हम इसको कीवर्ड को जस्ट चेंज करेंगे। तो ये हमारे सामने एक अगेन प्रॉम्प्ट आ गया एंड गलती से दो दफ़ा हो गया और मैं इसे दोबारा इंटर करता हूँ। एंड आई मिस डिट कि मैं दोबारा उसको अगली कमांड देना यहाँ पे ही भूल गया कि वो मुझे बगैर डिटेल के दे, लेकिन चले कोई नहीं, हम इसे सेकंड कमांड में डील कर लेंगे। तो सेकंड कमांड में मैं करता हूँ जस्ट राइट हेडिंग्स, तो ये मुझे हेडिंग्स भी दे देगा, होप सो। तो ये उसने मुझे
हेडिंग एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि हमारे पूरे आर्टिकल में क्या क्या हेडिंग होंगी। याद रहे कि आपने स्ट्रक्चर को भी रीड करना है और आप यहाँ पे कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे, बिकॉज आप अगर प्रॉम्प्ट में इस चीज़ को ऐड करेंगे तो वो आपको इसी के मुताबिक आर्टिकल बना के देगा। तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को अगेन कंट्रोल सी एंड ला के इसके स्ट्रक्चर की जगह पेस्ट कर देता हूँ और इसको पूरे को कॉपी करके बार्ड को अगेन यही प्रॉम्प्ट एज इट इज दे देता हूँ और लेट्स सी द रिजल्ट्स। इस आर्टिकल को एज इंफॉर्मेशनल हम पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। जी तो अब आपको समझ आएगा कि मैंने सेकंड आर्टिकल क्यों लिखा है। इसका फॉर्मेट है यू कैन राइट ऑन योर वेबसाइट इजीली। जो दूसरा जो इससे पहले हमने लिखा था वो एक सिंपल गाइड थी, जो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 उसने 5 ऐसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई हैं और उसके अंदर उसने अपना कंटेंट थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि यू कैन लीव अ मैसेज, यू कैन स्टार्ट अ डिस्प्यूट, यू कैन समथिंग लाइक दैट। तो वो आपकी फील्ड से थोड़ा सा हटके हो जाना था। अभी हम इसको पोस्ट करते हैं और देखते हैं इसने हमें क्या बना के दिया है। तो हम पहले तो ये मेक श्योर करेंगे कि जो हमने हेडिंग उसको दिए हैं ये वही हैं। तो हमारी जो फोर्थ हेडिंग है फाइंडिंग फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ है, मैनेजिंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट है। हम जाके देखते हैं कि ये ठीक है। और अब फाइंडिंग फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मेरे ख्याल सब हेडिंग्स भी कुछ थी, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस, और ये उसने मिस मेरे ख्याल कर दिया प्रॉम्प्ट ने। जस्ट हम इसे सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी से, हम इस वाली हेडिंग को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल एफ करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। आई गेस यहाँ पे नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसे हेडिंग असाइन कर देते हैं। लेट्स सी। जी तो आपके सामने मैंने प्रॉम्प्ट्स में थोड़ी सी ये चेंजेस किया कि मैंने उसकी हेडिंग को रिस्ट्रक्चराइज किया जो मुझे जीपीटी ने बोला था, और उसके बाद मुझे आपके सामने ये कुछ रिजल्ट्स मिले। अब इसे हम मजीद रिफाइन करेंगे, लेकिन एंड पे मुझे ये नजर आ रहा है कि उसने यहाँ पे बीच में ही राइटिंग छोड़ दिया, तो मैं सिर्फ उसको बोलूंगा कंटिन्यू, तो वहां से दोबारा उसको कंटिन्यू कर देगा। तो कंटिन्यू में उसने मुझे FAQs अगेन दे दिए हैं जो मेरे ख्याल उसने यहाँ पे नहीं दिए थे। तो अभी हम इसको अगेन यूज करेंगे और हम जाएंगे अपने वेबसाइट के बैकएंड पे टू पोस्ट इट। के पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो हम चाहते हैं डायरेक्ट पोस्ट वाले इंटरफेस पे, तो ये आपके सामने खुल जा सिमसिंग, ये आ गया आपके सामने पोस्ट का इंटरफेस। और यहाँ से मैं चैट जीपीटी का काम ख़त्म, तो इसे क्रॉस करता हूँ। फार्मूले का काम ख़त्म, मैं इसे क्रॉस करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले ये टाइटल है, अभी हम इसको फॉर एग्जाम्पल एज इट इज़ ही पेस्ट कर देते हैं। और मैटर डिस्क्रिप्शन अभी रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन से हम आगे इसको ओवरऑल ले जाते हैं। कॉल टू एक्शन मुझे नहीं चाहिए इसमें, कॉपी और हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में इसको अगेन मैं FAQs वाला सेक्शन भी ले लेता हूँ और यहाँ तक इसको मैं रखता हूँ, बिकॉज मैंने कॉल टू एक्शन ऐड नहीं किया, तो इट्स अबाउट कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल की मदद से फिर पेस्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने पूरा आर्टिकल आपके बैकएंड पे आ चुका है। तो जो एज ऑन पेज SEO आपके लिए जो बेसिक चीज़ है, मैं इसमें इस वीडियो में पूरी ऑन पेज ऐसी नहीं समझा रहा, जस्ट बिकॉज उसके लिए एक नई वीडियो बनेगी और उसमें हम डिटेल में इसी के बैकग्राउंड लेके चलेंगे। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड सिंपली बताता हूँ और जो जो चीज़ें चेंज करेंगे वो आपको बता दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑन पेज ऐसे में करने होते हैं, तो मैं इसके जो फोकस कीवर्ड है उसको जाके ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसकी एडिटिंग शुरू करता हूँ। AI कंटेंट लिखने के बाद प्रूफ रीडिंग में आपने 3-4 चीज़ें करनी होती हैं, लाइक आपने अपने कीवर्ड्स को सही जगह यूज़ करना है, सेकंड आपने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे अनलीश और कई ऐसे आपको पता होते हैं तो उसको आपने चेंज कर देना है, आपने सिंपल इंग्लिश में ले जाना है जो सबको समझ आए, इसको थोड़ा सा एंगेजिंग बनाना है। चौथा ये है कि एंगेजिंग कैसे बनाना है, जनाब वो पिक्चर्स लगा के वो अपने आप थोड़ा सा ह्यूमन टच दे के टॉक अबाउट यू जिसे कहते हैं वो करके। एंड फोर्थ वन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसमें फैक्ट एंड फिगर्स को ऐड करना है, आपने हवा में बात नहीं करनी है, आपने एक ऑथेंटिक आर्टिकल लिखना है। तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी रेफरेंसेस, इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग और फैक्चुअल जो बातें हैं उनको आपने
प्रॉपर तरीके से राइट करना है। तो मैं जरा इस आर्टिकल को लिख लूँ, फिर मिलते हैं।
आपके सामने ये सारा आर्टिकल ऑन पेज हुआ और इसमें हमने कई चीजें चेंज की और इसमें मजीद बहुत सारी चेंजेस भी लाई जा सकती हैं और वो भी मैं इंशाल्लाह लेके आऊंगा। और आपको इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड इसमें कुछ पिक्चर्स हमने यूज की हैं। उसके बाद हमने कुछ जगह पे कीवर्ड्स को ऐड करना है और किया भी है, लाइक आपने रिलेटेड एक लाइन ऐड करनी है जहाँ पे एक अच्छा सा एंकर टेक्स्ट बन सके और किसी आपके इनबाउंड या आउटबाउंड को लिंक किया जा सके। अभी तक इसमें जो इशू आ रहा है आपने फास्ट फॉरवर्ड में अगर देखा है तो आप इसे स्लो करके कंप्लीट भी देख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल ऑन पेज एसईओ है। आपको ज़्यादा फोकस जो एआई का प्रॉम्प्ट था उस पर दिलाना था, लेकिन ये था कि यहाँ पे हम इसे इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे एक से दो आउटबाउंड लिंक भी देते हैं और इसे पब्लिश करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आउटबाउंड लिंकिंग को यूज़ किया और कुछ इनबाउंड लिंक्स लगा के, और इसमें मजीद हम इसमें कंटेंट ऐड करेंगे और जिस जिस तरह इसकी रैंकिंग में या सर्प एनालिसिस में चीज़ें होंगी, आपने सर्प एनालिसिस भी करना होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एसईओ। अगर हम नेक्स्ट कोई वीडियो एसईओ पे बनाएंगे तो हम उसमें प्रॉपर सर्प एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि लोग इसमें किस तरीके से कंटेंट ऐड कर रहे हैं, हमारी कंपेटिटर वेबसाइट ने इसको किस तरह यूज़ किया हुआ है, लाइक यहाँ पे एक दो लाइन और ऐड करके हम अच्छे एंकर टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, और ये सारा कुछ एसईओ का पार्ट होता है। ये प्रैक्टिस थी एक आर्टिकल को एआई के थ्रू राइट करने की। हमने बार्ड को यूज किया, प्रॉम्प्ट आपको पता है आपको कहाँ से मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि इसको अपडेट कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, तो ये वेबसाइट पे चला गया। तो आपने अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम एक नज़र इसे पब्लिश्ड व्यू में जाके भी देख लेते हैं। ये आपके सामने फ्रीलांसिंग एज अ वेब डेवलपर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है और ये नोटिफिकेशन भी जा चुके हैं लोगों को वन पुश के, और जिसकी वजह से थोड़े बहुत व्यूज भी आ गए होंगे। और यहाँ पे हम अगर इसे आप वैसे जनरल डिस्कस करें तो यहाँ पे उसने एक हुक टाइप एक चीज़ दी है, या स्टार्टिंग एक उसने बड़ी ज़बरदस्त की है, बीइंग योर ओन बॉस वाली जो फ्रीलांसर्स के लिए एक बड़ी अमेजिंग लाइन होती है। स्टर्निंग स्किल्स यू अर्न कैश, वेलकम थ्रिलिंग वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांस एज वेब डेवलपर, यहाँ पे कीवर्ड भी आ गया इन दिस डिजिटल एज। मैंने इसको ज़्यादा एआई के तरह रखा है, अगर नेक्स्ट कुछ डेज में हम इसे ह्यूमन के बहुत करीब ले जाएंगे और इसमें काफ़ी कुछ चेंज कर देंगे, बट इफ़ यू वांट टू रीड इट कंप्लीट तो अभी तक ये इसी तरह है जैसे मुझे एआई ने प्रोवाइड किया है, बहुत माइनर सी चेंजिंग की गई है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। तो वैसे ओवरव्यू में हमने यहाँ पे इसने मेन फ्रीलांसिंग एज ए वेब डेवलपर लिया, उसके बाद हमने उसे सब हेडिंग में डिवाइड किया कि आपने सेटअप करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है उसका हमने पोर्टफोलियो लगा दिया, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी कैसी होनी चाहिए, नीश एंड सर्विसेज आपने जो ऑफर करनी है, फाइंडिंग फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी, ये सारा उसने स्टेप वाइज लिखा। फिर उसके बाद चैलेंजेस आ गए, चैलेंजेस में उसने 2 से 3 चैलेंजेस को कवर किया एज अ पॉजिटिव वे कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। उसने चैलेंजेस को सिर्फ डिफाइन नहीं किया हुआ, ये बड़ी मजे की बात है, उसने उसको प्रॉपर ये बताया हुआ है कि आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। कंक्लूजन छोटा सा है और हमने एक एफएक्यू लगाया और आखिर में एक लाइन दी और ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने मजीद इस तरह की वीडियोस लाइक ऑन पेज और वेबसाइट्स के लिए लेनी है तो यू शुड कमेंट डाउन और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा 2024 में, आपको बहुत सारा नया कंटेंट भी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन वगैरह होता है सारे लवाजमत पूरे करके सोशल मीडिया वगैरह ज्वाइन करें, इंशाल्लाह मजा आएगा, गपशप होगी, लाइव सेशन होंगे और आपके जो क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो बनाने वाले ही तो वीडियो बना देंगे, अगर शॉर्ट क्रिएट करने वाला तो शॉर्ट क्रिएट हो जाएगा, और अगर वैसे रिप्लाई करने वाला तो वैसे रिप्लाई हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।